अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सच में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फयाज। आज हमारे साथ जिस सेलिब्रिटी को हमने दावत दी है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया। अच्छा, मुझे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइएगा कि आपने कौन से अदारे से काम किया और ये जो इतनी सर्विस आपने गुजारी है ये किस अदारे में कैसे कैसे, पहले आप मुझे अपनी शख्सियत के बारे में बताइए। ठीक है, देखो जी, वो 1947 से मेरे मैं इंडिया से आया, उस वक्त मैं 5 बजे बाद पढ़ते थे, हिंदू और सिखों के लड़कों के साथ इकट्ठा ही खाते बीच में पढ़ते थे। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान बन गया, हम यहाँ आए, तो उसके बाद मैं 6वीं 7वीं 8वीं लाहौर छोड़ी में मेरे अंदर फौज में कैप्टन थे, तो उनके साथ में रहा। फिर वो उनकी फिली हुए ट्रांसफर हो गई, वहाँ से मैंने असलमबाग से मेट्रिक 1954 में मैंने किया। असलमबाग से शादी था, यानी वहाँ मैंने 1954 में बैठ गया। फिर मैं वो पायलट के लिए गया, 2 दफ़ा फौज में लेफ्टिनेंट के लिए, तो 2 दफ़ा मेरी सिलेक्शन वगैरह हो गई, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में थोड़े मुझे ड्राफ्ट करके बीजे के लिए। फिर मैंने वहाँ बीजे किया, फिर एफ ए किया, फिर बी ए किया प्राइवेट। उसके बाद मैंने ये ठेकेदारी शुरू कर दी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक मैंने वो महकमे नहर महकमा ड्रेनेज और दरिया वगैरह रिवर वगैरह उसमें काम किया, और भी महकमे में काम किया, इस्लामाबाद में थोड़ा सा काम किया, दरियाओं को बारिशा लगाएगा, सिविल का काम भी किया, लेकिन ज़्यादा मैकेनिकल काम किया। तो ये मैंने सबसे ज़्यादा आपने किस डिपार्टमेंट में वर्क किया? इरीगेशन वगैरह, इरीगेशन, हाँ, और वो उसको बोलते हैं दूसरा जो है वो ड्रेनेज, जो सेब गाड़ी होती है बहुत बड़ा महकमा, फ्लड वगैरह कंट्रोल करते हुए सेब हो गया, तो वहाँ मैंने काम किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मुल्क के कौमें हैं ये कैसे बर्बाद होती हैं, कैसे तबाह होती हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कौम की जो तारीफ होनी चाहिए उसके बारे में आपका? देखो जी, कौम जो है उसके बुनियादी जो करेक्टरिस्टिक है, बुनियादी जो उसके महाते हैं, और डिसिप्लिन, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, इतिहाद तंजीम और ईमान, एंड जब ये तीनों जो है बुनियाद है इसी कौम की, अगर इसके ऊपर कौम की आवाज खड़ी है ईमान के ऊपर और तंजीम के और इतिहाद के, कौम का इतिहाद, कौम के सब आदमियों का इतिहाद और एक तंजीम नज़म के तहत वो मुसाफिर आप रहते हैं, और ईमान जो अल्लाह पे और अपने आप खुद ही पे जो है वो मुफसर ईमान है, खुद ही को कर मतलब जिस तरह के हर तकदीर से पहले खुदा मंदिर से उसे बताते नहीं क्या है, उसके बाद कौमी जो है ना उसमें इक्विलिटी होती है, कौमी जो होती है 100% 90% जो है उनका मेरे ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसा सोच मुझा एक तरह की रहना सहना, पर जो है वो एक तरह का सोच मुचार और जो माशरा है उनका, यानी समाजी सकाफती रवायत जो है एक जैसी होती है। लेकिन हमारी कौम में जो है वो बाद में देखते, हमारी कौम में जो है वो सिर्फ 10% शराफिया जो है सब कुछ उनके हाथ में है, 90% जो है गरीब जो है उनके पास कुछ नहीं है, यानी और उनके जो है वो आती है लूट मार करने के लिए आती है, पैसे बाहर भेज देती है किक बैक, और वो जो भाई उन्होंने अपने घर वगैरह बंगले बनाए रहने का मतलब याद हो सैर से भटक जाते हैं, फिर जब कोई हस्ती कोई होती है तो वो भाग जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन बताएं कि आप इस निज़ाम को जब से आप 20 साल से लेके टिल 85 तक आपने जो काम किया, जो मुल्क और कौम की खिदमत की है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप इसी तरह ये निज़ाम देखते आ रहे कौमों का? नहीं, निज़ाम जो ऐसा निज़ाम है जो पाकिस्तान बना था, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, पाकिस्तान के मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, उस वक्त 10 लाख आदमी जो था वो मिसाल शहीद हो गया था, और 2-3-4 लाख होते जो वो अगवा हो गए थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी, आज तक जो हिजरत हुई इससे बड़ी हिजरत ना होगी ना हुई है, तो ये इसमें कोई 1 करोड़ आदमी जो है ना इधर से उधर ट्रांस हुआ, उधर से 65 लाख आदमी इंडिया से पाकिस्तान में आए, यहाँ से 35-40 लाख आदमी जो है वो इंडिया में गए, तो यहाँ मुसलमानों को मेजॉरिटी थी या हिंदू काम थे,
वहाँ पर सूबा पूरा दिल्ली में आगरा पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम थी, इसलिए 65 लाख आदमी बाहर गए, 35 लाख इधर से गए, 1 करोड़ आदमी की माइग्रेशन हुई जिधर। माशाल्लाह आपको एग्जैक्ट फिगर भी मालूम है। हाँ जी, उस वक्त मैं मिसाल 5 साल का 5वीं क्लास में पढ़ता था, सिखों के स्कूल में पढ़ते थे, अपना गवर्नमेंट खालसा ही स्कूल, तो सिखों की जुबान भी जो है उनको बोली गुरमुखी बुरा अडाइली तथा वो पढ़ते पढ़ते अब इधर आ गए। उस वक्त जो आधा के लोग मेरे पुरे थे, कोई चोरी नहीं थी, कोई चकारी नहीं थी, हमदर्दी थी, एक दूसरे के साथ प्यार था। रियाज से मदीना जो बाजी बात करते हैं, उस वक्त वो पाकिस्तानी जो यहाँ के एक आदमी थे लोकल, कई लोगों ने तो लूटमार की थी, जब हिंदू गए तो लूटमार की थी, जो नेक आदमी थे उन्होंने उनको बना दी, उनको सामान वगैरह दिया इकट्ठा करके, लोगों को अपने पास से लिया, रियाज से मदीना का उन्होंने नक्शा कैम दिया। उसके बाद जो गुलाम मोहम्मद आ गया, सोनवर्दी आ गया, फलाना आ गया, वो हज़ार को हज़ार से जो है 5 साल 6 में 6 दफ़ा वजीर अजम बदले। इंडिया ने देखा था, मैं उसे पंजाब में नहीं बदलता जितने के वजीर अजम बदलते हैं। फिर उसके बाद वो हालात इतने ख़राब हुए, वो सिकंदर आजम था, वो सिकंदर मिर्ज़ा, वो भी जो याश था, तो वो अयूब ने मार्शल लगा दिया, और अयूब का जो मार्शल था 11 साल 10 साल वो अपना एक गोल्डन पीरियड था, उसमें किसी ने कोई रिश्वत नहीं ली, उस वक्त पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, पेट्रोल 3 रुपये गैलन था, ये 3 रुपये गैलन और गंदम जो 10 रुपये बारे रुपये 100 रुपये किलो, तो ये कोई आदमी रिश्वत नहीं लेता था, वो तनख्वाहें बड़ी बात बड़ी, पैसे की वैल्यू बड़ी थी ना, 3 रुपये का डॉलर था। तो उस वक्त जो है ये CSP जो ऑफिसर है या PCS है, उनकी 250 रुपये इंक्रीमेंट थी, जो CFP थे सेंट्रल की गवर्नमेंट से उनके 350 और 20-25 रुपये से ज़्यादा इंक्रीमेंट, और पैसे की इतनी मुकद थी कि भले वो ज़मीन का जो 1 एकड़ जो है 116 मरले वो 30,000 रुपये का था, इसका मतलब कहेगा कि वो 30,000 के हिसाब से 16,000 अरे वो 20 रुपये मरले के साथ है, यदि 16 बता देगा तो 50-60 रुपये बदला था, यानी वो देहात दौर की बात कर रहे हैं, ये साल 1947-48 अयूब को की बात कर रहे हो, उसमें 1957 से लेकर 1968-1969-1970 तक, उसके बाद वो जाइए खा गया गिरदार से इस पाकिस्तान दौड़ गया, वो मुक्रो गया, उसके आपस में वो मीटिंग हुई थी, फिर वो मैं सदर होगा तो वजीर अजम बन जाना, हाँ जी, तो उसने वो मजीद को हालांकि वो प्रायरिटी बेसिस के ऊपर वो हकदार था वजारत का, लेकिन उन्होंने कहा जो उधर डाके में जाकर टांगे तोड़ देंगे, उसको भी सारे रेफर के लाके बंद कर दिया, हाँ जी, उसने कहा इस्लामाबाद की सड़कों से जो हमारे पटरों की वहाँ पटरों चावल बहुत होता है, ये उसकी मुझे वो बदबू आती है, मुझसे बड़ी इमारत है, ये फाट में से गाज खा देते हैं, जैसे कभी सिंध आने कहते हैं, फलाने कहते हैं, हमारा खा गए, तो उसी वो लहर भी हुई। तो अयूब का जो था बड़ा अच्छा हुआ, उसने तरबीला डैम बनाया, मार्केट डैम बनाया, मंगला डैम बनाया, उसके बाद एक बड़ा डैम भी बना, आज तक पाकिस्तान कोई काला डैम कोई आज तक डैम बना नहीं, छोटे छोटे डैम बने, कोई 20 डैम है कोल, लेकिन उसने 3-4 डैम बनाया, मार्केट डैम लोगों को नहीं उसका पता, वो दराए काबल का बारिश में आता है, तो बाकी वो है तरबेला डैम बहुत बड़ा डैम, पीए का बहुत बड़ा डैम है, बंगला डैम भी है, उसके बाद पेड़ी बड़ा है, उसने जो काम कर दी टेक्सटाइल बिजली जो है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, माल व्यापार वगैरह से मंगाया, मशीनें लगाई, वो उसके मिसाल तौर पर उसका5 रुपये में काम करता था, और 5 रुपये में जो ताकत थी वो आजकल के 5,000 के बराबर थी, है जी, यानी एक मकान जो है उसका किराया 50 रुपये होता था, एक कमरे का बड़ा मकान जो है जो आज जो है वो 15,000 रुपये है जी, तो हर चीज़ सस्ती थी बहुत, है जी,
अच्छा आप अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आप माशाल्लाह इतनी देर से काफ़ी आपने स्टडी की हुई है मुल्क पाकिस्तान के बारे में, और 1947 से पहले से आप माशाल्लाह इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की, मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है जिसमें कोरोना है, महंगाई है, पेट्रोल है, क्या आप वो पहले जो आप देखते थे उस हुकूमतों को जिसका अभी आपने ज़िक्र किया, क्या उसके साथ इसको कंपैरिजन करते हैं, और क्या ये जो इस वक्त की मौजूदा कौम की सूरत हाल है, मौजूदा कौम की हालात बने हुए हैं इस वक्त, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, अजूब के बाद जब जो जब आया वो सदर और जज था शराबी कबाबी था जदर रानी, उसको बोलते जदर रानी को रानी बनाई हुई थी, वो अपने आप को जदर कहलाती थी। उसके बाद वो जो भुट्टो जब आ गया जैसे कहा तो उधर इधर आप जो उधर गया टारगेट उधर भुट्टो ने एक जो बहुत ज़बरदस्त गलती की उसे नेशनलाइजेशन कर ली, जो चक्की भी आटे की चक्की थी छोटी छोटी वो भी उसे लेकर कब्जा करके अपने कारकुनों को दे दी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना ख़त्म कर दी। जब प्राइवेटाइजेशन मतलब उससे कर लीजिए नेशनलाइजेशन का मतलब और होता, प्राइवेटाइजेशन और होता और आता, तो वो नेशनलाइजेशन उसे हुकूमत के हाथ में जब्त कर लिया सब, तो कारकुनों को नहीं वो काफ़ी गए मैं तो ये स्केल स्पीड बिल भी उस वक्त उधर यही थी पी आई इंडिया जो उसमें खराबी पैदा हुई वो भुट्टो ठीक है जो फील आदमी था उसने जब वो ढाका जा रहा था करार दार पोलैंड ने पेश की थी कि इनकी आपस में सुलह हो जाए, लेकिन उसने वो करार पार पार तो अंडरग्राउंड जो है उसका